जी माननीय श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। सड़क और नेशनल हाईवे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण, सड़क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मैं मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से आता हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि एनडीए की पूर्व सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, मेरे संसदीय क्षेत्र में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन कॉरिडोर दोनों, स्वर्ण चतुर्भुज योजना और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दोनों योजना मेरे संसदीय क्षेत्र में होकर निकल रही है। किसी भी सरकार की दूरदर्शिता यहाँ झलकती है कि 2000 में उस सरकार ने उस योजना की नींव रखी और 2004 में उस योजना को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। 23,000 किलोमीटर उस सरकार में नेशनल हाईवे की सड़क बनी और 18 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से वो सड़क बनी, लेकिन पिछले 10 सालों में घोषणाएं और अवार्ड जारी होने के अलावा कुछ नहीं किया। और इन 10 वर्षों में हम देखें तो 4 किलोमीटर की स्पीड से भी ये रोड नहीं बनी। और एक तिहाई 6 वर्षों के कार्यकाल को देखें, इन 10 वर्षों को देखें तो एक तिहाई सड़क भी पिछली यूपीए सरकार में नहीं बनी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ की, मेरे किशनगढ़ से उदयपुर अहमदाबाद एक नेशनल हाईवे निकलता है और उस सड़क में टेंडर हो गए, लेकिन एनवायरमेंट की एनओसी नहीं मिलने के कारण पिछले कई वर्षों से योजना अधूरी पड़ी है। और मुझे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने कि रेलवे, डिफेंस, वन और पर्यावरण मंत्रालय को एक संयुक्त बैठक करने का जो निर्णय किया, निश्चित रूप से हर महीने जो बैठक होगी तो देश की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जिसमें कोई बाधा आ रही है उसको समाप्त करने की बहुत अच्छी पहल इस सरकार ने की है। और मुझे आशा है कि वो जो दुविधा है उस सरकार में, उसको, उस रोड के बनने में, वो आप पूरा निश्चित रूप से उसको बाधा को समाप्त करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी जयपुर दिल्ली जो रोड बना है पहले नेशनल हाईवे के पास था और उसका मेंटेनेंस नेशनल हाईवे देखता था, टोल नेशनल हाईवे वसूलता था, लेकिन 2009 में उसका टेंडर हुआ किसी प्राइवेट कंपनी को और उस कंपनी ने टोल वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन मेंटेनेंस का जिम्मा उसके पास था, उसने मेंटेनेंस का काम नहीं किया और 2011 में उसको काम पूरा करना था। अध्यक्ष महोदय, वो आज दिन तक काम नहीं हुआ, कभी 12 घंटे कभी 18 घंटे जाम रहता है। लेकिन मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मंत्री बनने के बाद आपने तुरंत संज्ञान लिया और उस रोड पर जाकर उस रोड को चालू करने का आपने जिम्मा लिया। और उसका इतना ही नहीं, पिछली सरकार में तो सिर्फ घोषणाएं और अवार्ड होते थे, आपने इन्हें एक महीने के अंदर उसको 3 फेज में उसका टेंडर, उसको काम करके अवार्ड जारी कर दिया और उसको टेंडर भी जारी कर दिए। उसके लिए मैं अपनी ओर से, राजस्थान की पूरी जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 2006 और 2007 में इसी सदन में उस समय के वित्त मंत्री जी ने जयपुर से दिल्ली एक एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी, लेकिन वो योजना उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और मेरे ही नाम राशि के उस समय के परिवहन मंत्री जी, दोनों के बहुत अच्छे संबंध होने के कारण, मधुर संबंध थे, एक ही पार्टी के थे, लेकिन मधुर संबंधों की वजह से लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आदरणीय मंत्री जी ने उस दिशा में गति दी और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मुझे आशा है कि वो दिल्ली जयपुर अगर एक्सप्रेस बन जाएगा तो राजस्थान जो पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है उसको एक गति मिलेगी। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान में जिन नेशनल हाईवे को राजस्थान की सरकार बनाती है उनको मेंटेनेंस का जो पैसा मिलना चाहिए, जो ग्रांट मिलनी चाहिए, मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वो राजस्थान का जो शिक्षा बनता है उसको आप पूरा देने का काम करेंगे। दूसरा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेवाड़ से आता हूँ, वो महाराणा प्रताप की धरती से आता हूँ और जो महाराणा प्रताप का सीरियल आप सब लोग देखते हैं, जिन्होंने गुलामी कभी स्वाधीनता के लिए माल छोड़ दिया, घास की रोटियां खाई, ऐसे महाराणा प्रताप की धरती से आता हूँ। निवेदन करता हूँ कि जहाँ दोनों राष्ट्रीय मार्ग चित्तौड़ में होकर निकल रहे हैं, वहाँ एक ऐसा सर्कल है रिठोला सर्कल जंक्शन, जिसमें 65,000 स्क्वायर मीटर, मैंने आपसे निवेदन भी किया था,
65,000 स्क्वायर मीटर जमीन वहाँ पड़ी है। मेरा निवेदन है कि उस सर्कल को जो पूरे एशिया का कहते हैं बड़ा सर्कल है, डायमंड सर्कल जिसको कहते हैं, उसमें रेस्टोरेंट पार्किंग और इस प्रकार डेवलप किया जाए और महाराणा प्रताप की एक आदमकद प्रतिमा वहाँ लगाई जाए। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह तो वहाँ आने जाने वाले जो भी लोग हैं वो उस गौरवशाली इतिहास को याद करेंगे। और मैं आग्रह करें अगर उस सर्कल का नाम भी महाराणा प्रताप सर्कल हो जाए तो पूरे राजस्थान के नहीं पूरे देश की जनता आपके कृतज्ञ रहेगी। मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपका विभाग अगर प्रतिमा नहीं लगा सके और नामकरण कर दे, प्रतिमा अगर विभाग आपका आदेश देगा तो हम किसी औद्योगिक घराने से आग्रह करेंगे झोली फैला के एक गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप की मूर्ति वहाँ लग सके। चूंकि मुझे बोलने का बहुत काफी विषय है लेकिन मुझे आशा है कि राजस्थान को जो हिस्सा मिलना चाहिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी, माननीय वसुंधरा जी ने भी एक कई सड़कों का जाल बिछाया मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम से, और मुझे केंद्र पर पूरा विश्वास है कि राजस्थान सड़कों के मामले में प्रगतिशील है और आपकी मदद मिली तो निश्चित रूप से राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में आके खड़ा होगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।